जी तो भाई साहब, कल वाली वीडियो के बाद दिल नहीं करता कि कोई यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अब वही दिल कर रहा है कि मतलब बाहर जाया जाए, सिनेमेटिक्स लिए जाए और आके स्टोरी टेलिंग की जाए। और मतलब ये मैंने ना एक ये रखी हुई है, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, मामलात करता हूँ, लेकिन अभी इंतहाई मतलब मुझे ना वो मज़ा आना शुरू हो गया था, लेकिन अब कैसे किया जाए। एक तो ये कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, और डेली अपडेट हो ही नहीं सकेगी, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कहाँ पर जाया जाए, ठीक है, जहाँ पर रहते हैं लॉकडाउन के मसले चल रहे हैं, ठीक है, और थर्ड चीज़ ये कि मेरे ख्याल से ये चीज़ें रमज़ान के बाद ही हो सकेंगी। और बस आज की अपडेट ये है कि मेरे कैमरे का लेंस टूट चुका है, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने एक और लेंस ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो कोई 70 वाला था, उसके ऊपर मैंने एक थोड़ी सी मतलब उसकी रोस्ट वीडियो बनाई है। अब पता नहीं वो मैं सोच रहा हूँ शेयर करूँ या ना करूँ, कुछ हैवी मतलब मुझे लग रहा है मैंने कुछ हैवी कर दी है, मतलब इतनी नहीं मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, सेंसर मटेरियल अंदर हो गया। अच्छा खैर, तो बस ये 70 स्टार जो उनसे होते हैं ये मतलब पता नहीं क्या अच्छे अच्छे अमाल नहीं करते, या इनके पता नहीं, मैं मुझे इस वक्त कोई इनके लिए अच्छे अल्फाज है ही नहीं है, ठीक है। मैं इनको अगर गुड भी कहूँगा ना तो मेरे मुँह से कोई और चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। तो मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया है इन पर। तो एक 70 स्टार था, ठीक है, वो अपने मतलब के पैदाइश का सबूत देते हुए एक ही व्हील पर बाइक चला रहा था, ठीक है, तो उसने थोड़ा सा मेरे बाइक के साथ बदतमीजी की उसके बाइक ने, जिसकी वजह से मेरा लेंस जो सा था वो मुझसे नाराज़ होकर टपा टप गपा गप हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह मतलब सिनेमैटिक्स और भी आते रहेंगे, ठीक है। तो रोस्टिंग मेरा मीडियम नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है, मेरे जो सर्कल में लोग हैं वो पसंद नहीं करेंगे कि मैं मतलब गालियाँ देता ये वो इस तरह से बुरे अल्फाज यूज़ करता, लेकिन वो अच्छी बात नहीं लगती ना, मुझे पता नहीं अच्छी लगती कि नहीं लगती, लेकिन दूसरों को अच्छी नहीं लगती, तो दूसरों का ख्याल करते हुए हम वो वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस आज की ये स्टोरी है। असल में आज का दिन बहुत बैठ जा रहा है, डाइट प्लान सारे का सारा ख़राब हो गया शहरी में, उसके बाद फिर ये लेंस टूट गया, उसके बाद फिर एक जगह से मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक का कॉपीराइट क्लेम आया, उसके बाद फिर एक जगह पे गए, वहाँ पे सारा कुछ बंद था, लॉकडाउन था, मैंने वीडियो बनानी थी नहीं बना सका, काफ़ी उसके बाद हैं, लेकिन आज का दिन बहुत डाउन था। तो ये कहानी थी आज की 70 वाले की बुनबटरियाँ, इंतहाई बहुत मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर, अच्छे अल्फाज तो है ही नहीं है, ठीक है। तो मेहरबानी फरमाएं, आपके प्यार मोहब्बत का शुक्रिया, अलबत्ता मेहरबानी फरमाएं कि आप ईद तक बर्दाश्त करें, ईद के बाद जो उनसे हैं वो हम बाहर जाएंगे, सिनेमैटिक्स लेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, लिखेंगे, टिकेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रमज़ान के अंदर तो भाई साहब कोई पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है रमज़ान के बाद कोरोना जो है ना वो स्लीप मोड पे जा रहा है, उसके बाद कोरोना कहेगा मैं तो नहीं खेल रहा आपके साथ, ठीक है, मैं बड़े लड़कों के साथ नहीं खेलता, कोरोना तो चला जाएगा, ठीक है, उन्हें ये लग रहा है। पता नहीं क्या किसका काट रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, हमारा काट रहे हैं यार, मतलब हम लोगों को काटते हैं, हमारा काट रहे हैं क्या, मतलब क्या चल क्या रहा है, ये क्या PTV वाली ऑडियंस नहीं है सामने यार, मतलब क्या ये हमें क्या कहना का चाह रहा है भाई साहब। इतनी सी बात है कि मुझे बता दो कि ऐसा कौन सा कोरोना जो रमज़ान के बाद चला जाएगा, कहेगा मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ कर, कौन सा, टेल मी अंजलि, ठीक है, मतलब नहीं यार क्या, मतलब मुझे इस वक्त ना इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन भाई साहब ये पूरी बात है, मतलब किसको कहें बुरी बात है, किसको कहें, किसके पास जा रहे हैं। तो ओवर एक्टिंग बहुत हो रही है, ये मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं ओवर एक्टिंग करनी शुरू करता हूँ। बाकी ये कि अल्लाह हाफिज।